तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल है यार। मेरा नाम है रोहित और तुम देखो भाई यूट्यूब चैनल द मास्टर गेमिंग। तो भाई जैसे तुम देख सकते हो भाई, मैं अभी फौजी गेम खेल रहा हूँ और उसका फर्स्ट गेम प्ले भाई, मतलब सही बोल रहा हूँ, अगर तुम इसको पबजी से कंपेयर करने वाले हो ना भाई, तो मत खेलना तुम भाई, फालतू में मतलब बेकार बेकार गेम खेलोगे यार। इसको पहले ही बोल रहा हूँ, पबजी से कंपेयर मत करना। पबजी से कंपेयर करोगे तो भाई तुम मतलब इस गेम को बहुत घटिया कहने वाले हो, क्योंकि गेम डिफरेंट है, मिशंस वाला गेम है। नाम वाली पबजी और फौजी मतलब थोड़ा सा सिमिलर लगता है कि यार, हो सकता है लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं है, दोनों गेम डिफरेंस है। ठीक है, अब उसके बाद भाई जैसे तुम देख सकते हो भाई, मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा था इस गेम को और मैं यहाँ पे आया, सब इंस्ट्रक्शन दे रहा था अभी आगे जाना है। अब इसमें तुमको बता दूँ कि भाई मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए ही तुमको ये दिखा रहा हूँ, बाकी यार इस ये गेम है ना, कुछ गेम होते हैं कि भाई दिखाने में मज़ा आता है, जैसे पबजी को दिखाने में मज़ा आता है और खेलने में भी मज़ा आता है। अब उसके गेम प्ले दिखाते कितना मज़ा आता है, तो वैसे भी भाई ये गेम मतलब इसका गेम प्ले दिखाने में इतना मज़ा नहीं है, क्योंकि भाई इसमें बस आगे जाके अपने को एक ही दीदी की फाइट करनी है बस। ठीक है, तो इसमें मैं तुमको बस टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि अपने को मतलब करना कैसे, इनको मारना किस किस तरीक़ों से है। ठीक है, अब इसमें मैं तुमको बताता हूँ, जैसे अपने क्रॉस एयर होता है ना भाई, जिससे हम आगे हिलते हैं, ठीक है, अगर तुमको सिर्फ सामने के डायरेक्शन में रखोगे ना भाई तो ही सही रहेगा, और तुम उसको जिगल जगह करोगे ना बार बार तो कोई मतलब तुम बिल्कुल स्लो हो जाओगे। और जैसे ही मैं उन बंदों को मतलब जो सामने एनिमीज थे उनको मार के यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे को मतलब फायर वर्क जैसा दिखता है। अब इसका अपने मतलब इसका फ़ायदा ये है कि अपना मतलब हेल्थ बढ़ा जाता है, जैसे मेरे को पास हो गया, ये ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करो और आराम से तुम हाथ से को ऊपर तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी, मतलब तुम्हारा स्टेमिना बढ़ता जाएगा। अब मैं यहाँ पर मतलब थोड़ा सा आगे जाकर थोड़ा फास्ट कर दूंगा, ताकि ये देखो फास्ट मैंने कर दिया है। अब यार मैं तुम पूरा दिखाऊंगा तुम बिल्कुल बोर हो जाओगे कि यार थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं आ गया है ना भाई, अभी तो तुमको मतलब ये अपने आप मिल जाएगा, जैसे तुम भी खेलोगे ना भाई, तुमको ये अपने आप मिल जाएगा, जो भी हथियार है ये तुमको वेपन अपने आप मिल जाएगा। लेकिन बाद में जैसे तुम बंदों को मारोगे, जैसे मैं इसको मारूंगा, ठीक है, मैं इसको मार रहा हूँ, अब बस तुमको उस मारने के लिए क्या करना है, उस पर जब टैप 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 करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब टैप टैप करने के बाद मैं देख रहा हूँ भाई, ये गन मेरे हाथ मतलब ये वेपन मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा है। देखो भाई, वेपन मेरे हाथ में नहीं आ रहा था, वो दूसरा वेपन मेरे हाथ में आ नहीं रहा था और ये सामने मेरा एनिमी था। मैंने सोचा यार छोड़ो वेपन की ऐसी तैसी, पहले अपन एनिमी को मारते हैं। अब ये इस वेपन से मैंने इसकी वेपन की भी हेल्थ होती भाई, याद रखना, जैसे मैं इसको मारूँ ना भाई मेरी वेपन पूरा गया। अब देखना भाई, मेरा वेपन यहाँ पे पूरा सत्यानाश हो गया। अब अगर तुमको कोई भी वेपन लेना ना भाई, सीधा सिंपली आके उसके ऊपर खड़े हो जाना, ये अपने आप वेपन पिकअप करेगा, तुमको किसी भी चीज़ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही वेपन पिक करेगा। अब जैसे मैंने एक मिशन कंप्लीट कर लिया, मैं आगे तक पहुंच गया, मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा था कि तुमको मतलब लगे कि हाँ भाई फटाफट बस फाइट फाइट दिखाओ और टिप्स बताओ कि यार क्या करना है। अब जैसे तुम आगे आगे जाओगे ना भाई, तुमको मतलब इंटेंस फाइट देखने को मिलेगी, जो तुम करने में बहुत मज़ा आएगा तुमको इसमें। अब भाई देखो, मैं जैसे मैं यहाँ पे आया, मेरे पास अभी कोई वेपन नहीं, सिर्फ मुक्के पहल रहा हूँ मैं इसको। अब जैसे मैं आगे आता हूँ ना भाई, मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है। अब मैंने देखा भाई कितने आगे एनिमीज़ है, दो बंदे मेरे पास आए। अगर मैं सीधा आ जाता ना भाई, आगे चार से पाँच है, अगर चार से पाँच एक साथ में आते ना भाई तो मेरे को ईजिली पहल देते। इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे होल्ड किया, ताकि एक बंदे को लाऊं पीछे, उसको पूरा डैमेज कर दूं। जैसे मैंने इसको पूरा मार दिया ना, अब मैं इस पर आया, और हमेशा एक बंदे को टारगेट रखना कि भाई एक ही बंदे को मारना है। अब जैसे मान लो तुमको पता लगाना है, मैं तुमको आगे बताऊंगा, अभी तो बहुत ईजी आएगा, तुम एक बंदे को मारोगे ना वो अपने को मारेगा ही नहीं बार बार, जैसे कि देखना तुम। अब मेरे को लग रहा था कि पीछे से मार देगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा था, मेरे को लगा भाई ये मार देगा वो मार देगा, लेकिन ये ऐसे ऐसे नहीं मारते, इनके ऊपर एक लाल लाइन से साइन आता है, मारने का साइन अलग होता है। मैं मार रहा हूँ उसको 14 का डैमेज, 19 का डैमेज आ रहा है, ठीक है, वो लाल लाल डैमेज अलग होता है, और नॉर्मल जो चीज़ होती है ना, मतलब उसकी बॉडी पूरा लाल लाल आउटलाइन हो जाती है, रेड आउटलाइन आ जाती है। तो देखना, इसको मार रहा हूँ मैं, अब पीछे से उसकी आउटलाइन होगी, देखना फिर ये देखना, अभी रुको, हाँ ये देखो वो आउटलाइन हुई ना, उसका मतलब वो मेरे को मारने वाला था, इसलिए मैंने फटाफट पीछे की तरफ मूव किया, उसको मारना चालू किया। वापस लाल लाल लाइन मतलब रेड आउटलाइन आते ही समझ जाना कि वो तुमको मारने वाला है, और फटाफट उसी को ही मारना, जो तुम मारे उसको छोड़ के दूसरे वाले को मारना चालू करना। अब मैंने वेपन छोड़ा, सबसे पहले इसको फिनिश किया, और मतलब ग्राफिक्स मस्त है, अभी के लिए ठीक है। अब इसमें और भी मोड्स है, टीम डेथ मैच और फ्री फॉर ऑल, मतलब ऐसे और मोड अभी आएंगे, कमिंग सून लिखा हुआ है उस पर, अभी बस एक ही मोड है जैसे तुम अपन खेल रहे हैं अभी। इस पर बस तुमको बस वेपन मैंने तुमको बता दिया कैसे पिकअप करना है। अब मैंने सब कुछ यहाँ पे फास्ट कर दिया है, और मैं तुमको पूरा गेम प्ले नहीं दिखाऊंगा मैंने कितना खेल लिया क्या कर लिया, नहीं, मैं तुमको स्टार्टिंग का इतना बताऊंगा ताकि तुमको स्टार्टिंग का अच्छा कर पाओ, और मैं भी इसको पूरा भी खेल रहा हूँ, इसको सीख रहा हूँ अभी, और तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो यार सब्सक्राइब कर दो यार कम से कम इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत। और जैसे ही अपन आगे आए ना भाई, अब आगे आए मैं वेपन से इसको मारूँ, और वेपन की भी हेल्थ होती है जैसे मैंने तुमको बता ही रखा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, वेपन की हेल्थ वापस रिकवर नहीं होती है, अपनी हेल्थ फिर भी हो जाती है लेकिन वेपन की हेल्थ नहीं होती है। अब मैं इसको आराम से बस तुमको मारने के लिए टैप टैप करना है, और ये अलग अलग तरीक़ों से तुम इसको मारता भी रहेगा। ये देखो इसको मार दिया, मेरी वेपन की हेल्थ बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर, अब मैं मुक्के पहलने वाला हूँ वापस।
आराम से मुक्के पहलो और तुमको मतलब इस गेम को खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बोलो बिल्कुल इजी गेम है यार, इतना कोई वो वाला गेम नहीं है। और बता दूँ बैटल रॉयल गेम नहीं है ये, अभी तक के हिसाब से जितना इसमें एक्सप्लोर किया मैंने बैटल रॉयल गेम मेरे को एक मोड में, तो देखो एक मोड में अपन खेल रही है, दूसरा है टीम डेथ मैच, अब उस मोड में क्या है, और एक और फ्री फॉर ऑल, अब उस मोड में क्या है अपने कुछ नहीं पता है। और मेरे हिसाब से तो बैटल रॉयल गेम तो कोई एंगल से नहीं है, मिशंस कंप्लीट करने इसमें बस। और मतलब तुमको इसमें हिंदी वॉइस और आगे देखने को मिलेगा, बहुत मस्त मस्त चीज़ें देखने को मिलने वाली है। अब जैसे कि तुम देख सकते हो भाई यहाँ पे ये बंदा, ठीक है, अब इसका भाई बहुत वेपन है, तो वेपन वाले बंदों से बहुत बच के रहना कि वो बंदे बहुत गंदा डैमेज देते तुमको। जब से इसी के लिए मैं इस वेपन वाले बंदे को मार रहा हूँ कि इसको मार दूंगा ना तो एक बार सही रहेगा, उसको मार दिया, अब लास्ट वाला बंदा बचा, इसको बहुत इजीली फिनिश कर देंगे अपन। और यहाँ पे बहुत जैसे तुम लग रहे होगा कि भाई बहुत ईजी गेम है, नहीं भाई इसको तुम खेलोगे ना तब तुम सोचोगे यार हाँ यार मज़ा आ रहा है खेलने में, जो मज़ा आ रहा है ना वो अलग ही, जो देखने में मज़ा है वो खेलने में नहीं है यार, लिटरली मैं बोल रहा हूँ खेलने में मस्त मज़ा है। अब मैं उस वेपन के ऊपर खड़ा हुआ, ये आ गया अपने आप ही, आगे वाले पे खड़ा होऊंगा वो भी अपने आप आ गया। अब उसके बाद भाई यहाँ पे एक वॉइस ओवर आता है, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहाँ कैद हो, एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमकता है। अब भाई वो वॉइस ओवर मैंने इसलिए कट कर दिया क्योंकि भाई अगर मैं तुमको उसको सुनाता ना भाई वो बहुत लंबा था और तुम मतलब थोड़ा सा बोर टाइप हो जाते, क्योंकि अगर तुम पहले गए तो तुम गेम अभी मतलब देख रहे हो तो खेल तो रहे नहीं हो, तो खेलने में जो मजा है ना भाई, खेलते खेलते जो उसका एकदम से वॉइस ओवर आता है वो स्टोरी पूरी दिखाता है हिंदी में वॉइस ओवर, मतलब अलग ही माहौल होता है उस टाइम का, अलग ही मज़ा आता है, अलग ही मतलब जो सिचुएशन क्रिएट होती है ना भाई मज़ा आ जाता है उस सिचुएशन को देख के। और अभी मैंने मतलब यहाँ पे इस बंदे को बहुत इजीली मार दिया, यहाँ इसका वेपन भी उठा लेता हूँ मैं, अभी उठ जा भाई, हाँ आ गया आ गया, ठीक है। अब उसके फटाफट मैं आगे जाऊँगा और हेल्थ वेल्थ पूरी कर लूँगा, लेकिन उतने में साले और आ जाते हैं इसमें से। अब देखना भाई यहाँ पे मेरी वेपन की हेल्थ वैसे ही मतलब बहुत जल्दी जल्दी आ जाती, तुम एक शॉट मारोगे दो चार पाँच छः शॉट में तो मतलब वेपन ही ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे मतलब इन बंदों को तो मैं मार दूंगा, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन आएगी जहाँ पे तुम बंदों को नहीं मार पाओगे, तो मतलब थोड़ा सा सोच समझ के खेलना पड़ेगा इसको। और मैं तुमको मतलब अभी फिलहाल के लिए स्टार्टअप के लिए मैं तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स दी है, जैसे कर्जर को इधर उधर मूव करने से मतलब अपना जिगल जिगल नहीं करना इसमें ज़्यादा, अपने को याद रखना ज़्यादा जिगल जिगल करोगे ना तो मूवमेंट जैसे मैं पीछे आया तो कितना स्लो स्लो आ रहा था क्योंकि मेरे को उस टाइम पता नहीं था, लेकिन जैसे मैं आगे एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना भाई बहुत नई नई चीज़ें पता चल रही है। और किसी भी बंदे पर रेड आउटलाइन आए मतलब वो तुमको मारने वाला है, इसीलिए मतलब तुम किसी और बंदे को मार रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास में एक और आ गया और उस पर रेड आउटलाइन आ रही है, मतलब तुम जिसको मार रहे हो ना उसको छोड़ के तुमको किसी और को मारना है। तो यार ऐसी ही और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई हमारे चैनल पे इसके पूरे एपिसोड्स आने वाले हैं भाई, मतलब तुम देखो बवाल मच जाएगा। और मतलब अपने पबजी की गेम प्लेस भी आते रहेंगे, लाइव स्ट्रीम होती रहेगी और बहुत आ गया मैंने मतलब हमने प्लान कर रखा है पबजी वर्ल्ड इंडिया के आने के बाद में, तो मतलब तबाही ही मच जाएगी, तो सब्सक्राइब कर दो यार।